सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल एंड वेलकम टू माय चैनल द गीक मॉन्क। और यार, आज के लिए मैं 10th 12th के लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ कि यार सीबीएसई ने उनका जो पेंडिंग एग्जाम्स थे, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स, वो कैंसिल कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे यार, और उनको लग रहा था कि वो कोरोना के टाइम पे किस तरीके से वो एग्जाम देंगे अपने, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो ये रही यार इसकी लेटेस्ट न्यूज़ बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स थे और जो शेड्यूल हुए थे 1 से 15 जुलाई के बीच में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी गाइडलाइंस जो है वो जारी किए हैं। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द रिमेनिंग एग्जाम ऑफ क्लास 12 विल नॉट बी कंडक्टेड, स्टूडेंट विल हैव एन ऑप्शन टू अपियर इन द एग्जाम इफ दे विश टू। मतलब अगर आपने अपने एग्जाम देना है ये वाला, तब भी आप दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। दे डोंट वॉन्ट टू अपियर, देन देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट टू एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। मतलब कि जो आपके जो लास्ट के दो एग्जाम है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो कंसिडर की जाएगी फॉर मार्किंग योर लास्ट टू एग्जाम्स। द ऑप्शन ऑफ अपियरिंग इन एग्जाम विल ओनली बी अवेलेबल टू 12th स्टूडेंट्स। 10th के लिए नहीं है ये अवेलेबल, और सिर्फ 12th के लिए, क्योंकि यार आप देख सकते हो कि यार पूरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी। तो जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए सिर्फ 12th के लिए ऑप्शन है जो 1 से 15 जुलाई वाला। अगर आपका पुराना पेपर बेकार गए हैं दो, तो आप ये नए दो देंगे अगर आपकी इच्छा है, अगर नहीं है तो आप नहीं देंगे। द एग्जाम डेट फॉर 12th स्टूडेंट हु वॉन्ट टू टेक द टेस्ट विल बी डन वेन एटमोसफेयर इज कंड्यूसिव। तो मतलब जब ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी तब वो जो एग्जाम है वो कंडक्ट करेंगे। द डिटेल्स ऑफ द असेसमेंट फॉर दो स्टूडेंट हु डू नॉट वॉन्ट टू अपियर फॉर द टेस्ट विल बी पब्लिश बाय 15 जुलाई। तो यार जो भी असेसमेंट नहीं देना चाहते, मतलब जो भी पेपर में नहीं अपियर करना चाहते, उनके लिए जो भी नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई पे पब्लिश होगी। तो यार सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पे अपना वॉच जरूर रखें। द डिसीजन वॉज टेकन एज मेनी गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस इनएबिलिटी इन कंडक्टिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो यार ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस, स्टे सेफ, बी एट योर होम। थैंक यू सो मच।